आई विल नॉट टॉक टू यू अगेन, बाय। अरे अरे दानशा, क्या हो गया? इतने गंदे तरीके से किससे बात कर रहे थे आप? मम्मा, मेरी फ्रेंड है ना, उस फ्रेंड। क्यों, क्या हो गया? मम्मा, उसने मुझे बहुत बुरा बोला, इसलिए मैंने भी उसको बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। ओहो बेटा, ऐसा आपने क्यों किया पता है? अगर हम किसी के साथ में कुछ भी बुरा बोलते, कुछ भी किसी को बुरा बोलते हैं, तो वो वर्ड्स जो होते हैं ना, कभी वापस नहीं आते। एक बार आप बोल दो तो उसके बाद में यहाँ पे ना बहुत गिल्टी, बहुत बुरा लगता है पता है। तो इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ में बुरा नहीं बोलना चाहिए। एक बार पता है क्या हुआ था, एक रामू नाम का किसान था, तो उसके बगल में पड़ोसी रहता था। तो रामू एक दिन जा रहा था, अपने घर से बाहर निकला, तो उसने देखा किसान जो उसका पड़ोसी वो बाहर है, और रामू उससे लड़ने लगा। उसको लगा कि उसका पड़ोसी ने उसके साथ में कुछ गलत किया है, रामू को लगा, जबकि ऐसा नहीं था। तो रामू अपने पड़ोसी से खूब लड़ने लगा, खूब बुरा बुरा बोलने लगा, खूब ज़्यादा बुरा बुरा बोला। उसके बाद जब रामू वापस अपने घर गया, तो शांत मन से उसने सोचा कि उसने क्यों बोला, क्यों लड़ाई किया। तो उसको लगा कि उसने अपने पड़ोसी के साथ में गलत किया है, उसने अपने पड़ोसी को जो वर्ड्स बोले हैं वो गलत बोले हैं, पड़ोसी की कोई गलती भी नहीं थी, और मान लो गलती भी होती तो उसने क्यों बोला ऐसा, उसको ऐसा फील होने लगा। तो वो इसको लेकर के एक संत महाराज के पास में गया। संत महाराज से बोला कि महाराज, अब मैंने बोल तो दिया अपने पड़ोसी को, मगर मुझे बहुत अंदर से खराब लग रहा है, मैं क्या करूँ इसके लिए? तो संत महाराज ने कहा ठीक है, तुम यहाँ से कुछ पत्ते हैं गिरे रखे हुए, उनको उठाओ और जाकर के बीच सड़क पर रखाओ। तो रामू ने क्या किया, वो पत्ते उठाए और बीच सड़क में जाकर के रखाया। फिर वापस वो संत महाराज के पास आए। संत महाराज से बोला कि महाराज, आपने बोला था पत्ते रखने के लिए सड़क पर, तो मैंने रख दिया। फिर संत महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, अब जो तुम पत्ते रख कर आए हो उन्हें वो तो वापस लेकर आओ मेरे पास में। तो रामू गया वहां पर सड़क में जहाँ पे उसने पत्ते रखे हुए थे बीच सड़क पर। तो जैसे ही वो वहां पे सड़क पर गया, तो उसने देखा पत्ते सारे गायब। अब रामू फिर वापस आए संत महाराज के पास में, बोला महाराज वहां पे जो मैंने पत्ते रखे थे वो तो गायब हो गए। तो संत महाराज ने कहा कि हाँ रामू, ठीक वैसे ही होता है, आप जो ये पत्ते हैं वैसे आपके वर्ड्स भी होते हैं, आप एक बार अपने मुंह से आपने जो निकाल दिया, तब आप उसको अगर आप चाहो कि उसको वापस ले लो, कि हम उससे वापस ले लें, अपने आप में सोचें, तो ऐसा नहीं होता है। जो एक बार शब्द मुंह से निकल गया वो कभी भी वापस नहीं लिया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। और आपने अपनी फ्रेंड्स के साथ में इतनी बुरी तरह से अभी जो बात किया, तो इसके लिए आपको फिर सॉरी बोलो, और उससे बोलो कि मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगी। क्या क्या सीखा विधानशा? फ्रेंड्स, मैंने ये सीखा कि हमें कभी भी दूसरों को बिना समझे बुरा नहीं बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे भी नहीं, और वैसे भी नहीं, अगर आप समझ भी जाओ तब भी नहीं बुरा बोलना चाहिए। कभी भी बच्चों हमें कोई भी किसी को भी कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपने हमने बुरा बोल दिया तो वो शब्द कभी भी वापस नहीं आते हैं। आप उनसे माफी भी मांग लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपके दिल में हमेशा गिल्टी बनी रहेगी कि आपके मुंह से वो शब्द कैसे निकल गया। तो हमें हमेशा कैसा बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, कभी भी किसी को उल्टा सीधा गलत नहीं बोलना चाहिए। कैसी लगी कहानी बच्चों, बताइएगा जरूर। कल फिर मिलूंगी किसी नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए विधानशा बाय।